चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। कर्नाटक के हासन में दो गाड़ियों में भीषण टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के सतारा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने एक लड़के को मारी टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। महाराष्ट्र के वैतरणा में समुद्र में सेल्फी लेने गई 4 महिलाएं डूबी, हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत, 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। बिहार के कटिहार में नदी में नाव पलटने से हुआ हादसा, गोताखोरों ने 2 लोगों का किया रेस्क्यू, अभी भी 7 लोग लापता। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार, विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, उन पर विजिलेंस के अफसर को 50 लाख रुपए देने की रिश्वत देने के आरोप लगे। पंजाब के गुरदासपुर में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए ड्रोन का लिया गया सहारा, ड्रोन की मदद से गैंगस्टर की लोकेशन देखी गई, फिर घेरेबंदी कर गैंगस्टर की हुई गिरफ्तारी। हिंदुओं पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली पर केस दर्ज, संभल की रैली में दी थी खुलेआम धमकी। यूपी के अमरोहा में AIMIM की बैठक में हुआ हंगामा, मामूली बात पर शुरू हुई फायरिंग, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर फायरिंग करने का आरोप। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसेना पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया, पुलिस के एक्शन के बाद इलाके में बढ़ा तनाव। मध्य प्रदेश के इंदौर से टोल प्लाजा पर हुई मारपीट का वीडियो आया सामने, कुछ लोगों को टोल कर्मचारियों को पीटते हुए देखा गया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मारपीट। हरियाणा के झज्जर में महिला थाने में दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, बीच बचाव कर रही 3 महिला पुलिस कर्मचारियों की पिटाई, मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए, 2 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सहारनपुर में आपसी रंजिश में 2 बच्चों में झड़प, मारपीट के दौरान 1 की मौत, 4 लोग घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, टैंकर पलटते ही पेट्रोल लूटने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हुए। गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में जबरदस्ती घुसने के लिए एक आदमी ने गार्ड की पिटाई की, पीड़ित गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया, सरेराह गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। यूपी के वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल, बदमाशों पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप। यूपी के आगरा में सड़क हादसे में हुई महिला की मौत, नाराज लोगों ने घंटों सड़क पर लगाया जाम, पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक टैक्सी ड्राइवर को पुलिस वालों ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में 2 लड़के लेखा परीक्षा अधिकारी के ऑफिस में शराब पीते नजर आए, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में प्रशासन, आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ब्रिटिश शासनकाल के 282 बेशकीमती सिक्के मिले, अधिकारियों ने सिक्कों को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में छापेमारी में 14 क्विंटल नकली मावा बरामद, SDM के नेतृत्व में की गई छापेमारी, दिल्ली में होनी थी सप्लाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली से पहले एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई छापेमारी, पुलिस ने लाखों के पटाखे बरामद किए, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में एक नर्स अस्पताल में फेशियल कराती हुई दिखाई दी, कुछ मरीजों ने डिलीवरी के नाम पर पैसे मांगे जाने का भी आरोप लगाया। बिहार के समस्तीपुर में टूटी सड़क बनवाने के लिए कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, बीच सड़क में पानी भरे गड्ढे में बैठकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के मऊ में सरयू नदी में आए उफान से बड़ी मुसीबत, सैलाब के बीच लोगों ने मरीज को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ की वजह से घरों में कई फीट तक भरा पानी, घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं लोग। यूपी के गोंडा में बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा, खेत डूबने से किसानों की फसल बर्बाद। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी में आए उफान से लोगों के घर हुए बर्बाद, गांव से पानी निकलने के बाद अपने घरों की मरम्मती करते नजर आए लोग, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, मदद न मिलने का भी आरोप लगाया। यूपी के देवरिया में तेज बारिश से उफान पर घाघरा नदी, 36 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ प्रभावित लोग स्थानीय प्रशासन से नाराज। तमिलनाडु के मदुरई में कई इलाकों में झमाझम बारिश, देर रात से ही हो रही है बारिश, तेज बारिश से मौसम का बदला मिजाज। यूपी के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार कंटेनर पलटा, पलटते ही भीषण आग की लपटों में घिरा कंटेनर, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आज से देश में पहली बार शुरू होगी हिंदी में MBBS की पढ़ाई, गृहमंत्री अमित शाह भोपाल में लॉन्च करेंगे हिंदी में कोर्स, सीएम शिवराज ने डॉक्टर्स को पर्चे पर आए एक्स की जगह
श्रीहरि लिखने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी हिंदी में होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, कुछ किताबों का हिंदी में अनुवाद हुआ, अगले साल से यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में होंगी शामिल। अब बैंक अकाउंट खुलवाना होगा आसान। पीएम मोदी देश के 75 जिलों को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट समर्पित करेंगे। सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में आज बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे शामिल। बीजेपी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग 18 अक्टूबर को हो सकती है। कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा के 39वें दिन की शुरुआत। संगमकल से राहुल गांधी समेत कई नेता पदयात्रा में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बालोद में अनोखे अंदाज में नजर आई महिला और बाल विकास मंत्री, गांव की महिलाओं के साथ किया पारंपरिक नृत्य। भेंट मुलाकात संवाद कार्यक्रम में हुई थी शरीक। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेज। वीडियो जारी कर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बताया निर्माण पूरा होने पर कैसा दिखेगा राम मंदिर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का किया गया आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े दूध के दाम। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का किया इजाफा। मणिपुर के इम्फाल में बंद का दिखाई दिया असर। प्रतिबंधित संगठन द्वारा किया गया बंद का ऐलान, स्कूल भी रहे बंद। ऑस्ट्रेलिया में आज से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज। श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है पहला मैच। 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। एशिया कप में 7वीं बार चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। फाइनल में महिला टीम इंडिया ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। चीन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठ रहे विरोध के बीच कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां सम्मेलन जारी। शी जिनपिंग को 3री बार समर्थन मिलने की उम्मीद। जिनपिंग ने ताइवान को लेकर दिया बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर भड़के पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में एक बताया। ईरान में बवाल जारी, पुलिस का महिला प्रदर्शनकारी के साथ यौन उत्पीड़न का वीडियो आया सामने। हिजाब विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार करने आए थे पुलिस वाले। इस्तांबुल के फिकिर टेपे में एक बिल्डिंग में आग से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने भीषण आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया। ईरान के तेहरान की कुख्यात इवन जेल में लगी आग। जेल से भीषण आग की लपटें उठती दिखाई दी। गोलीबारी और सायरन की भी आवाजें सुनाई दी। तुर्की में कोयला खदान में हुए धमाके के बाद अफरा तफरी। धमाके के बाद खदान में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 110 लोग अब भी काम कर रहे थे जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था।